आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आप में से अधिकतर लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा और आप में से कई लोग इन्हें जानते भी होंगे। आपने देखा होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो हमारी केंद्रीय बैंक है आरबीआई, इसके गवर्नर भी रह चुके हैं। जी हाँ, रघुराम राजन की बात कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो भी अर्थव्यवस्था की हालत है या बेरोजगारी है, इसे सही करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने के लिए ये समय समय पर आप देखिए सलाह भी देते रहते हैं। और याद रखिए, अपना ही देश नहीं, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि बहुत ही पावरफुल कंट्री भी यानी कि पावरफुल देश भी इनकी सलाह लेते रहते हैं, इनकी बात मानते हैं, अपने देश में इन जैसे लोगों को बुलाते हैं। लेकिन हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश के जो भी राजनेता हैं, जो यानी कि हमारे देश की शासन व्यवस्था में आप देखिए शीर्ष नेतृत्व है, ये अपने आप को अर्थशास्त्री, अपने आप को आप सोचिए कि इतिहासकार, अपने आप को आप देखिए कि पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता पूरा भरा पूरा समझते हैं, यानी कि इन्हें किसी भी की सलाह की ही जरूरत नहीं पड़ती है। सीधी सी बात आप लोग इतना जानिए। और इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे देश के जो भी इस तरह के प्रबुद्ध वर्ग होते हैं, यानी कि आप देखिए कोई अगर अच्छा डॉक्टर है या अच्छा अर्थशास्त्री है तो वो देश छोड़कर चला जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से उसे परिस्थिति चाहिए होती है काम करने के लिए, वो हमारे देश में परिस्थिति नहीं मिल पाती है, आप समझ रहे हैं। और अभी कोरोना महामारी में आप देखिए अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ है, रोजगार का क्या हाल हुआ है, तब भी आपने देखा होगा कि रघुराम राजन ने सलाह दी थी और इस इकोनॉमी को सही दिशा देने के लिए, यानी कि आप जितनी इकोनॉमी गिर चुकी है उसे उठाने के लिए इनके द्वारा कई उपाय बताए गए थे, लेकिन सरकारों ने नहीं माने और उसका परिणाम क्या है आपके सामने भी है। तो आज हम लोग रघुराम राजन के बारे में विस्तार से बात करेंगे और आप देखिए कि हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाई भी रहे दे रहे हैं कौन है रघुराम राजन। अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो आप देखिए रघुराम गोविंद राजन इनका पूरा नाम है। और याद रखिए, अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपकी परीक्षा में इनसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, ठीक है। अगर हम लोग जन्म तिथि की बात करें तो 3 फरवरी 1963 को इनका जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आप लोग देख लीजिए एक बार, भोपाल को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को, तो आप देखें कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है। और आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहते हैं, आप लोग नदियों का मायका भी कह देते हैं, टाइगर प्रदेश कह देते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो यही इनका जन्म हुआ था। और अगर हम लोग रघुराम राजन के पिता की बात करें तो आर गोविंद राजन इनके पिता का नाम था और इंटेलिजेंस ब्यूरो में इनके पिता काम करते थे। और इनकी माता की बात करें तो मैथिली राजन इनकी माता का नाम था और इनकी पत्नी की बात करें तो राधिका राजन इनकी पत्नी और इनके 2 बच्चे हैं। इसके बाद अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी कई जगह हुई है, क्योंकि आप देखिए ये इनके पिता विदेशों में बने रहते थे। आप सभी जानते हैं कि कभी श्रीलंका में रहे, कभी इंडोनेशिया में, कभी आप देखिए बेल्जियम में, तो इनकी शुरुआती शिक्षा यही होती है। फिर आप देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक करते हैं। फिर आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से उन्होंने 1987 में एमबीए किया। फिर आप देखेंगे मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1991 में उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की हुई थी, यानी कि आप देखिए कि अर्थशास्त्र के मास्टर हैं। और कार्य क्षेत्र की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्री हैं और एक आप देखिए शिक्षक यानी कि प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर के रूप में भी आप देखिए कई देशों में ये अपनी सेवाएं देते रहते हैं। अगर हम लोग रघुराम राजन के सफर की बात करें तो आप देखेंगे कि जब ये ग्रेजुएशन कर लेते हैं, स्नातक कर लेते हैं, तो उसके बाद रघुराम राजन शिकागो यूनिवर्सिटी में बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस के फैकल्टी के रूप में काम करना शुरू करते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे साल 2003 में उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ में सबसे कम उम्र के आर्थिक सलाहकार और शोध के निदेशक के रूप में पदभार संभाला था। फिर आप देखेंगे 2003 से लेकर 2007 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आर्थिक सलाहकार के पद पर रहते हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि आप देखिए कि अगर हमारी सरकार इनकी सलाह माने तो बहुत कुछ हो सकता है।
आप जो सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में काम कर चुका हो, सलाह देना के काम करता हो, तो उसमें कुछ तो बात हो रही होगी। और इसलिए आप देखिए कि कुछ बात होने के कारण ही कई देश उनकी मदद लेते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। और मुझे लगता है कि एक बात हमेशा याद रखिए, कोई अगर सलाह दे रहा है तो वो सलाह सुन लेनी चाहिए, उस पर विचार कर लेनी चाहिए, अच्छी है तो ठीक है। फिर आप देखिए कि साल 2003 के दौरान अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन ने 40 साल से कम की अर्थशास्त्रियों के लिए अवार्ड शो में भी हिस्सा लिया था इन्होंने। और इस दौरान उन्हें सेंटर फॉर फाइनेंस स्टडी ने फाइनेंस इकोनॉमिक्स में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए फिफ्थ ड्यूस बैंक पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया था। जब आप लोग अच्छा काम करेंगे तो आपको पुरस्कार मिलना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। और फिर आप देखेंगे यूएस फेडरल रिजर्व में क्रिटिकल ऑफ द फिनोशियल सेक्टर सब्जेक्ट पर रघुराम राजन ने साल 2005 के दौरान एक पेपर पेश किया था, जो कि साल 2008 के आर्थिक संकट में काफी मददगार साबित हुआ था। फिर आप देखेंगे इसके बाद साल 2009 की बात है। साल 2009 में रघुराम के बारे में द वॉल स्ट्रीट जर्नल में काफी लंबा लेख भी छपा था। और उन्होंने अकादमी पुरस्कार विजेता दस्तावेजिक फिल्म इनसाइड जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हुआ था। फिर आप देखेंगे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और आप देखेंगे मनमोहन सिंह साहब भी काफी अच्छे अर्थशास्त्री माने जाते हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने साल 2008 के दौरान उन्हें आर्थिक सलाहकार के रूप में भी नियुक्ति दी हुई थी। और उन्हीं की अध्यक्षता में उसी वर्ष एक हाई लेवल कमेटी ऑन फाइनेंशियल रिफॉर्म की बैठक भी हुई थी और इसकी रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन को सौंपी गई थी। फिर आप देखेंगे साल 2011 में रघुराम राजन अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, जबकि फिलहाल की बात करें तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के सदस्य भी है। कौन? रघुराम राजन। रघुराम राजन को साल 2012 में भारतीय फाइनेंस मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के प्रमुख के रूप में भी नियुक्ति मिली थी। फिर आप देखेंगे रघुराम राजन ने 4 सितंबर 2013 को भारत की जो रिजर्व बैंक है, इसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें नंबर के गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला था। और तब उन्होंने पहले भाषण में ही भारतीय बैंक की नई ब्रांचेज खोलने के लिए लाइसेंस प्रणाली को खत्म करने के लिए कहा था। और राजन 5 सितंबर 2013 से लेकर सितंबर 2016 तक गवर्नर के पद पर रहते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को तमिलनाडु सरकार के द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल भी किया गया था। और राजन को बतौर आर्थिक विशेषज्ञ मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की एडवाइजर काउंसिल में शामिल भी किया गया था। और इनके प्रमुख कार्यों की अगर हम बात करें तो वित्त के सिद्धांत और अभ्यास में रघुराम राजन ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं भी लिखी जिसमें दर्शाया गया है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार चलती है और किस तरह अर्थव्यवस्था को चलाना चाहिए। और राजन ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया हुआ है। उन्होंने जो यूएस में यानी कि यूएसए में होने वाली आर्थिक उथल पुथल की भविष्यवाणी की हुई थी और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण थे वो। और इसके लिए शुरुआत में सबने उनको एक तरह से आप देखिए कि उनका मजाक उड़ाया हुआ था। लेकिन यूएस और यूरोप में 2008 में 2012 के बीच जो आर्थिक संकट आया उसके वो आज के महान अर्थशास्त्री ने अपनी एक जगह बना चुके हैं। यानी कि आप देखिए कि आप भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से प्रभावित होगी, तो आप सोचिए कि उस समय लोग हो सकता है कि आपका मजाक उड़ाए। और आप सोचिए कि एक आने वाले समय में अगर वो काम आप लोगों ने जो भविष्यवाणी की हुई है या आपको लगता था कि ऐसा होने वाला है अगर वो सही हो जाता है तो आप सभी जानते हैं कि आपकी तारीफ की जाएगी। और आगे अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई है तो आपकी सलाह ली जाएगी। फिर आप लोग अगर कोई भविष्यवाणी करते हैं, कोई सलाह देते हैं, तो लोग उसकी ओर जरूर ध्यान देंगे और आपकी बातों को मानेंगे भी। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर अगर इनकी कुछ पुस्तकें भी है और अगर आप लोग अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं तो इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, आप भी अर्थशास्त्री बन सकते हैं। तीसरा स्तंभ ये 2019 में आई हुई थी, आई डू ब्राट आई डू ये 2017 में आई हुई थी। फिर आप देखेंगे फॉल्ट लाइंस हाउ हिडन फिक्चर्स स्टिल थ्रेटेन द वर्ल्ड इकोनॉमी ये 2010 में आई हुई थी। पूंजीपतियों से पूंजीवाद को बचाना ये 2003 में आई हुई थी। और आजकल तो आप देखिए कि पूंजीवादी जो पूंजीपतियां हैं पति हैं
उनकी एक तरह से आप देखिए अंडर में हमारे देश की जो भी सरकारी संपत्ति थी वो चली जा रही है, उन्हीं को बेचा जा रहा है। द स्कम लैक रिपोर्ट द फिक्सिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ये 2010 में, अर्थव्यवस्था को अभी क्या चाहिए, ये 2019 में आई हुई थी, क्योंकि आप देखिए कि काफी 2019 भी उठापटक वाला वो साल रहा है। विकास पर सहायता के प्रभाव को क्या कम करता है, रघुराम राजन 2005 में आई हुई थी। नियंत्रित पूंजी खाता उदारीकरण एक प्रस्ताव, रघुराम राजन 2005 में आई हुई थी ये। और भारत का विकास पैटर्न क्या हुआ क्या हुआ, रघुराम राजन साहब की थी ये, 2006 में आई हुई थी। चीन के विकास का आधुनिकीकरण प्रतिमान, ये भी आपकी इनकी रघुराम राजन की 2006 में आई हुई थी। बैंकिंग संकट का वास्तविक प्रभाव, ये भी आप देखेंगे रघुराम राजन साहब की पुस्तक का नाम है, 2005 में आई हुई थी। एक पुस्तक है इनकी सहायता और विकास, क्रॉस कंट्री एविडेंस वास्तव में क्या दिखाता है, ये भी रघुराम राजन साहब की थी, 2005 में आई हुई थी। ईपब रघुराम राजन, ये 2003 में आई हुई थी। रघुराम राजन वित्तीय आग बिक्री बैंक विफलताओं से सबूत, ये 2014 में आई हुई थी। बिजनेस इन्वायरमेंट एंड फार्म एंट्री एविडेंस फ्रॉम इंटरनेशनल डेटा, रघुराम राजन की 2004 में ये पुस्तक आई हुई थी। तो एक इनकी पुस्तकों के नाम है, और याद रखिए इन पुस्तकों से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन्हें मिले अगर पुरस्कारों की बात करें तो आप देखेंगे 2011 में नास्कॉम ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था। 2012 में इन्फोसिस आर्थिक विज्ञान के लिए सम्मान भी इन्हें दिया गया था। 2013 में आप देखेंगे वित्तीय अर्थशास्त्र के लिए सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज ड्यूस बैंक सम्मान से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। 2014 में आप देखेंगे केंद्रीय बैंक वित्त पत्रिका साल के सर्वश्रेष्ठ राज्यपाल का पुरस्कार इन्हें दिया गया था। 2016 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंकर पुरस्कार द बैंकर से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। 2016 के बाद आप देखेंगे लंदन स्थित वित्तीय पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया था। 2017 में आप देखेंगे कलारी वाते साइटेशन लॉरेट से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। तो ये पुरस्कार के नाम है और इन्हें मिले सम्मानों के नाम आप कह सकते हैं। चलिए आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, और भी बताइए किसी के बारे में बात करनी है तो हम लोग बात करते रहेंगे।